नमस्कार, मैं लखबीर चहल। आज हम बनाने जा रहे हैं घी रोस्ट, मैंगलोर की फेमस सिग्नेचर डिश। हम लोग घी रोस्ट बनाएंगे मशरूम के साथ में। ये मैंगलोर की फेमस बेडिगे चिलीज है जो हम यूज़ करेंगे अभी। स्पाइसीनेस के साथ में इसमें थोड़ा सा स्वीट नोट भी है और बहुत ही बेहतर कलर आता है, तो हम इसको उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार उबालेंगे इसको अच्छी तरह, इसको स्ट्रेन करेंगे, उसको अच्छी तरह धो लेते हैं ठंडे पानी से, फिर से एक बार उबालेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी स्पाइसीनेस है वो निकल जाएगा, बस बेहतर कलर रह जाएगा चिलीज में। चिलीज बॉयल हो रहे हैं, जब तक बॉयल होते हैं हम लोग मशरूम को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हम लोग मशरूम में डालेंगे योगर्ट, दही डाला हमने एक कटोरी, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी डाली पिंच और सॉल्ट, स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल लीजिए आप, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारी चिलीज बॉईल हो गई है, चलो इसको निकाल लेते हैं। इसको बॉईल होते होते कम से कम 15 मिनट हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में फिर से नया पानी डालेंगे हम और फिर से चढ़ाएंगे इसको बॉईल होने के लिए। तो हमने इसको गर्म पानी से निकाला, अच्छी तरह वॉश कर दिया, जो इसके बीच से उसको डिस्कार्ड कर दिया है, और बढ़िया मिल गई हमें। इसको हम अभी फाइनल बॉईल करते हैं, रख देते हैं इसको अंदर। अभी इसको बॉईल करते करते इसमें हम डालेंगे होल जिंजर और गार्लिक। तो हम लोग डाल देते हैं अपना होल जिंजर और गार्लिक, और इसको बॉईल करने का है इसी में, और ठंडा करके हम इसका पेस्ट करेंगे। जब तक हमारी चिलीज बॉईल हो रही है तब तक हम अपना ड्राई मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम लोग एक टेबलस्पून जीरा, इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं, और साथ में डालेंगे हम 2 टेबलस्पून धनिया सीड्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 सिनेमन स्टिक एक छोटा पीस, और क्लोव्स। तो हम इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। हमारा मसाला एकदम बढ़िया रोस्ट हो गया है, इसको निकाल लेते हैं हम अभी पैन में। पैन से निकाल दिया हमने अपना रोस्टेड मसाला, इसका बढ़िया से पाउडर कर लेते हैं हम लोग, और जब हमारी चिलीज ड्राई होगी पूरी उसको भी हम लोग कर लेंगे पेस्ट, दरदरा पेस्ट करेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। पाउडर एकदम बढ़िया हो गया है, देख लेते हैं कैसा बना है। वाओ, एकदम बढ़िया है, फ्रेश रोस्टेड हर्ब्स का हमेशा ही बहुत ही बढ़िया प्यारा खुशबू आता है। चिलीज ठंडी हो गई है, इसकी भी हम लोग बढ़िया पेस्ट बना लेते हैं। चिलीज का दरदरा पेस्ट बनाने के लिए हमने चिलीज डाल दिया है, चलो चिलीज का भी हम लोग बना लेते हैं बढ़िया से पेस्ट। पैन लिया है, उसमें डालेंगे घी, 3 टेबलस्पून मैंने घी डाले हैं। घी रोस्ट है तो घी में
तंगी नहीं होनी चाहिए। और हम डालेंगे अपनी चिली पेस्ट। तो इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं। चलो पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। चिली पेस्ट अच्छी तरह भुन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे मैरिनेटेड मशरूम्स जो हमने योगर्ट में मैरिनेट करके रखे हुए थे। और इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड मसाला। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी और इसे ढक के पकने दे देते हैं। हमारा घी रोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इमली का पानी और 1 छोटी सी डली गुड़ की। तो मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे हम। घी रोस्ट रेडी है, एकदम बढ़िया बना है। खाइए कबाब के जैसे, आप स्टार्टर के जैसे इसको खा सकते हो। एकदम वाव। हमारा मशरूम घी रोस्ट रेडी है, एकदम बढ़िया है। लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी है, देख के खाइए। जरूरी बात, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन जरूर प्रेस कीजिए अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी। थैंक यू वेरी मच।